चिल्ड्रन परी, मैं हूँ परी। आप लोग ना मुझे बहुत बोल रहे थे कि परी तुम ना अपना टॉय रूम का टूर करो ना, तो फिर ये लो आज मैं आपको अपना पूरे टॉय रूम का टूर कराऊंगी। देख रहे हो इतने सारे, और मैं आपको आज उसका टूर कराऊंगी। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मेरे किचन सेट से। तो फिर ये जो किचन सेट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसका जो टूर वीडियो है ना, मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो को देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ ना मैं अपना सारा राइस मसाला और कुछ पनीर वो सब रखती हूँ अपना, और यहाँ सारे बर्तन, और यहाँ मेरा किचन स्टोव। लेकिन यहाँ सब्जी, ये स्ट्रॉबेरी सब्जी मैं कैसे, ओ हमारे जो आदि महाराज है ना, वो ये स्ट्रॉबेरी सब्जी बनाए होंगे। ये जो स्ट्रॉबेरी सब्जी है ना, ये हमारे आदि कुक बनाए हैं। जब ये बन जाएगा ना, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? जरूर टेस्ट करना, मैं तो इसको टेस्ट करने ही नहीं वाली हूँ। हाँ, कभी कभी जब डोर खुला होता है ना, आदि आता है और सारा फ्रूट्स खोलता है, यहाँ रख लेता है, या फिर कभी कभी वहाँ भी फेंक देता है। अच्छा, अयो हाँ यहाँ ये ठीक है, रख तो ली मैं सारा। और यहाँ ना मेरा ये जो सिंक है, ये यहाँ मैं अपना हाथ धोती हूँ, बर्तन भी साफ करती हूँ। और ये मेरा किचन का डस्टबिन है, जहाँ मैं कभी कभी पापा का ये ग्रीन टी वाला पाउच रख लेती हूँ, क्योंकि पापा ना हमेशा ग्रीन टी पीते हैं, इसलिए उनके लिए बनाती हूँ मैं अपने किचन में। और हाँ, यहाँ ना मैं अपने सारे बर्तन रखती हूँ, वहाँ मेरे सारे कुकिंग करने के बर्तन थे, यहाँ मेरे सारे प्लेट्स ग्लासेस वो सब हैं, और ऊपर भगवान जी हैं, गणेश जी, जिसको मैं पूजा करती हूँ। और ये मेरा ओवन है, ये देखो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली ये जो किचन है ना, ये मेरी मम्मी जब मैं 3 साल की थी तब बनाए थे। ये जो अच्छा सा एक गैस है ना, सॉरी स्टोव है ना, हाँ, यहाँ मैं सारे अपने नकली पैसे रखती रहती हूँ, और यहाँ वो जो बैग है ना, उसको उससे मैं कभी कभी शॉपिंग करने जाती हूँ अपने लर्नत परी शॉप में। और ये मेरा हुला हूप है, जिसको मैं खेलती हूँ, ये हुला हूप थोड़ा करके दिखाती हूँ, ऐसे कहीं लग ना जाए, आई होप कहीं लग ना जाए, लगेगा ना बहुत दिनों से, ये मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं ना आपको ये किचन सेट दिखा ली हूँ, अभी चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा ये फ्रिज, ये फ्रिज ना जब मैं 5 साल थी तब मम्मी बनाए थे, अभी ये फ्रिज ना 2-3 साल पुराना है, लेकिन फिर भी इसका कलर भी ठीक ही है, बहुत क्यूट सा लगता है मुझे ये। और यहाँ ना आदि जब भी आता है ना, इसको खोल देता है और सारा चीज़ें फेंक देता है, इसलिए मैं ना ये लगाई हूँ, खोलो निकालो, और जो भी जूस, बस थोड़ा स्प्राइट पी लेते हैं। Nice. खाली हो गया। फिर भी मैं रखती हूँ, एक बूंद बचा होगा, फिर भी मैं रखूंगी। कोई सेंसर बात की? ऊपर इसका फ्रीजर है, जहाँ मैं आइसक्रीम, पनीर, और ये ना अंडा वाला चॉकलेट, जिसको ना मैं आदि को डराती हूँ कि इसके अंदर जो अंडा है ना, अगर खाएगा तो फिर पेट में एक मुर्गी हो जाएगा बड़ा सा। कुछ भी, आपने मेरा ये जो फ्रिज है, इसका मेकिंग वीडियो आप देखे हो कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और ऊपर मेरा कर्लू है, पपलू, पपल कलर का कर्लू, क्योंकि इसका बाल ऐसे पुट पुट बबल्स जैसा होता है। ये क्या है? और नेक्स्ट आता है हमारा स्वीट शॉप, ये जो हमारा आइसक्रीम शॉप है ना, ये मम्मी खरीदे थे, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं की हूँ, ठीक है? आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। और नेक्स्ट आता है हमारा ये अतरंगी सतरंगी सा ड्रॉर, वैसे ये अतरंगी
अतरंगी है, सतरंगी नहीं है, पांच कलर्स का ही है। पचरंगी नहीं बोल सकती, पचरंगी भी बोल सकती हूँ, पचरंगी सा एक समझ रहे हो कलर का एक ड्रॉ है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। पहला ड्रॉ तो ऐसे, तो फिर यहाँ जो है, यहाँ मेरा सारे चेयर्स और सारे टॉयज, एनिमल टॉयज। हाँ, ऐसे बड़ी मुश्किल से खुलता है, बड़ी मुश्किल से अंदर जाता है। अब ये घंटा लगेगा इसको अंदर भरने के लिए। और नेक्स्ट ड्रॉर में है हमारे टीचर सेट के चीज़ें, जहाँ मेरे टीचर सेट का चेयर है और बास्केट है और बोर्ड भी है, टेबल भी है, सारे टीचर सेट के लिए। और नेक्स्ट येलो कलर में है मेरा कैशियर्स। मैं ये जो शॉपिंग मॉल होता है ना, उसमें मैं ये यूज़ करती हूँ। मेरा जो उधर शॉपिंग वाला बहुत जल्द आएगा, उसमें मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ऑरेंज कलर में है मेरे सारे डॉल्स, जो मेरे जो बार्बी डॉल हाउस है उसमें फिट नहीं हुए, इसलिए यहाँ रखा गया है। और बेबी का एक बहुत अच्छा सा स्ट्रॉलर है, और साइकिल्स भी हैं, स्कूटर्स भी, दिख रहे हो। राहुल और रिंकी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, सो अच्छी नींद होनी चाहिए। स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। लाइट बंद कर रही हूँ, डरना मत। और पिंक ड्रॉर में है सारे कपड़े और सारे ज्वेलरीज डॉल्स के। और अब नेक्स्ट आता है हमारी शेल्फ, जो दादी का जो चेयर होता है ना, वो उसका एक पीस है, उसको हम लोग यहाँ रखें। और ये मेरा एक योगा मैट है, जिसको मैं घर में योगा करती हूँ जब, तब मैं इसको लेती हूँ। इसको मैं अपने डांस क्लास में भी लेकर जाती हूँ और बैडमिंटन क्लास में भी लेकर जाती हूँ। और नेक्स्ट हमारा बॉलिंग, बहुत दिन हो गए मैं इसको खेली नहीं हूँ, अभी खेलेंगे हम लोग बहुत जल्द। अभी थोड़ा बड़े होने दो, फिर उसके साथ मैं खेलूँगी। वैसे अभी पापा के साथ खेलती थी, आजकल पापा को टाइम नहीं मिलता इसलिए नहीं खेल पाते। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्यारा सा फ्लावर बेस। ये फ्लावर बेस ना हम लोग यहाँ रखते हैं, कभी कभी जब हम लोग बाहर पिकनिक वीडियो बनाते हैं तब मैं हम लोग इसको लेते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और नेक्स्ट आता है हमारा चेयर, पिंक चेयर। पिंकी चेयर में बैठी है हमारी महारानी पिंकी। ये चेयर जब मैं एक साल की थी तब पापा लाए थे ये चेयर। इसमें ना पिंकी महारानी, आप आइए थोड़ा, प्रिंसेसेस वाला, प्रिंसेस वाले चेयर में प्रिंसेस बैठी है। तो फिर नेक्स्ट आता है आदि का ये टॉय वाला बड़ा सा बॉक्स, जो अभी फिल हो गया। इसको इसलिए हम लोग यहाँ रखते हैं, कभी कभी आदि जब बोर होता है या फिर खेलना होता है, उसको खाना होता है, तब हम लोग इसको लेकर उधर रखते हैं। तो फिर आदि उसको सारा फेंकता रहता है और खेलता रहता है। और यहाँ एक मिरर है, हेलो, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, कोई आंसर दे नहीं रहा है, अच्छा है। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ना, कितना गंदा स्मेल आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें सारे सी शेल्स हैं। यहाँ देख रहे हो कितने सारे, ये हम लोग जब भी बीच जाते हैं ना, तब मैं सी शेल्स कलेक्ट करती हूँ और इस बॉक्स में डालती हूँ। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। और मैं ना स्टोन्स भी कलेक्ट करती हूँ। एक बार जब मैं महानदी गई थी ना, तब मैं स्टोन्स कलेक्ट करती हूँ, बहुत सारे सुंदर सॉफ्ट रेड पर्पल ब्लू और हार्ट, बहुत सारे तरीके के। और ये रहा हमारा बड़ा सा बार्बी डॉल हाउस, जो मैं और मम्मी बनाए थे, बहुत सारे हैं, जैसे स्टडी टेबल। चलो मैं आपको वैसे इसका भी मैं एक टूर वीडियो बनाई हूँ, जो आप मेरे चैनल में देख सकते हो, ठीक है। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उधर भी देख सकते हो, ठीक है। और ये है बार्बी डॉल का बेडरूम, यहाँ ड्रेसिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, और ये उनका बेडरूम है। और नेक्स्ट आता है हमारा बाथरूम, और फिर हमारा डाइनिंग टेबल, फिर किचन, और अब आता है हमारा लिविंग रूम, और फिर आता है हमारा गार्डन, और हमारा प्यारा सा पार्किंग एरिया। यहाँ ना हम लोग ना ये कपड़ा सुखाते हैं बार्बी डॉल्स के गीले। और यहाँ ये जो फ्लावर्स हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं। कभी कभी ना रिंकी और राहुल इससे लुका छुपी खेलते हैं ना, इसमें ही छुपते हैं, दिखता नहीं है। ग्रीन ड्रेस पहनते हैं ना,
इसलिए। और नेक्स्ट आता है हमारा टेंट। अरे अरे मैं कहाँ छुपी हूँ, रुको रुको आती हूँ, ये हूँ मैं, यहाँ हूँ। ठीक है, तो फिर ये है हमारा टेंट। वैसे कभी कभी जो पीछे पर्दा देख रहे हो ना आप, वहाँ ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और ब्राउन कलर का, तीन तीन कलर के पर्दे हैं। वो पर्दे मैं इसको साइड कर लेती हूँ थोड़ा, और वो जो स्टैंड है वहाँ ना, और लाइट्स सेट कर लेती हूँ, पापा या फिर मम्मी का मोबाइल लाती हूँ और अपना शॉर्ट्स बनाती हूँ, रील्स। और वो और हाँ, इसके बाद चल रही थी ना, तो फिर ये है मेरा प्यारा सा टेंट जहाँ मैं ना बहुत सारे फ्लावर्स उगाई हूँ। हाँ, प्लांट की हूँ मैं, तो फिर यहाँ मैं बैठी हूँ। तो फिर चलो नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बहुत बड़े से कपबोर्ड से जो मुझे अभी से बहुत बड़ा दिख रहा है। तो फिर पहला जो नीचे का है शेल्फ, उसमें मेरे स्केटबोर्ड्स और आदि के कुछ टॉयज और मेरे भी कुछ पुराने से टॉयज हैं इस नीचे के कपबोर्ड में। और नेक्स्ट कपबोर्ड में है हमारी यहाँ आंटी जी, मासी। हेलो, मैं रिंकी और राहुल की मासी हूँ। हाय, ये मेरा घर है, देख रहे हो ना, बहुत अच्छा है। ये मेरा बेड है और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है जहाँ मैं बहुत सज धज होती हूँ। ये मेरा लिविंग रूम है जहाँ मैं खाना खाती हूँ। और ये है मेरा प्यारा सा क्लोज़ेट। अच्छा है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, आज मैं थोड़ा सा इंडियन कपड़ा पहनी हूँ। हाँ देखो कितने अच्छे अच्छे सोने के ना ज्वेलरीज पहनी हूँ मैं, इयर रिंग पहनी हूँ और देखो कंगन। अरे हाँ, अच्छा मैं तो सो रही हूँ, टाटा बाय बाय। ये तो सो गई भाई अपने पूरे घर का टूर तो दे दी ना। चलो अभी हमारे ऊपर के जो हैं शेल्फ, उधर है हमारा ये मिनी सा हाउस रोब्लॉक्स। तो फिर यहाँ ना ये प्रीति है, प्रीति हाय बोल दो, अपने प्रिंसी के साथ खेल रही। ओ हाय, सॉरी प्रिंसेस के साथ, प्रिंसेस हाय बोल दो, प्रिंसेस तो गिर गई। और नेक्स्ट आता है यहाँ मेरे शॉर्ट्स बनाने के लिए थोड़ी से तैयारियाँ। ये मेरे कैप्स और मेरे चश्मा है, ये वाला मुझे थोड़ा, ये मैं अपने होम टाउन से लाई हूँ, मामा मुझे दिए थे। ये हमारा और एक चश्मा है जो मुझे, ये वाला भी अच्छा लगता है मुझे, जिसका जो ये ग्लास है ना वो एक बार टूट गया था। हाँ टूट गया था ये, फिर मम्मी लगाए हैं। और हाँ यहाँ ना हमारा प्यार से आदि का फोटो है, देख रहे हो ना बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट सा एक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अब नेक्स्ट ऊपर, जब तक मेरा हाथ आ नहीं रहा है। पहला है हमारी बार्बी डॉल का कार जो काफ़ी महंगा दिखता है, लैम्बोर्गिनी है। हाँ ये हाना का कार है। और नेक्स्ट आता है आदिका उसका ज़ाइलोफोन, क्योंकि आदि ना इसको तोड़ रहा था इसलिए यहाँ रख लिया है। इसको मैं कभी कभी लेकर बजाती हूँ। और ऊपर मेरा मेकअप सेट है, फैशन मेकअप सेट। हेलो नॉक नॉक, मुझे कोई निकालेगा, इसको मैं तोड़ के तो बिल्कुल नहीं आने वाली, पतली गली से आने वाली हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर ये है मेरा शॉपिंग मॉल, देख रहे हो कितना बड़ा सा लनतपति का शॉपिंग मॉल है। यहाँ देखो एक कस्टमर अभी तक देख रहे हैं, कई साल और दिन चले गए हैं, वो बिना सोए शॉपिंग करती आ रहे हैं। तो फिर ये हमारी सेल्स गर्ल है जो अभी इसको, ये जो सारे ड्रेसेस हैं ना, जो कस्टमर्स हैं ना, उसको निकालते ठीक से रखते नहीं और यहाँ ऐसे रख लेते हैं। इसलिए जो हमारी प्यारी सी सेल्स गर्ल है वो ठीक से इसको रखते हैं। हाय, मैं इसको रखती हूँ, फिर मिलेंगे। और नीचे है हमारी कैशियर, ये हमारा कैश काउंटर है, ये हमारा बिलिंग मशीन है। टोइंग आओ,
लग गया मुझे। और यहाँ ना कितना बिल हुआ, हम लोग ना थोड़ा सा बिल भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ा देती हूँ, थोड़ा कमा देती हूँ। ये हमारे पहले के कस्टमर हैं, 10 ही रखते हैं। देख रहे हो फ्रेंड्स, अब 10 रुपीज़ में देखिए फ्री में एक साड़ी मिल रहा है। ये ना एक्चुअली डिलीवर होने वाला है, इसलिए ये पैक्ड करके रखा हुआ है। हाँ, और यहाँ हमारे सारे बैग्स और शूज़ हैं, और ऊपर हमारे शूज़ बच्चों के। तो फिर ये है हमारा पूरा मॉल। तो फिर इसका भी मैं एक टूर वीडियो बनाई हूँ, तो फिर आप उसको ज़रूर देखना। ओके, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हूँ। और नेक्स्ट आता है हमारा ये हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शॉप, जहाँ यहाँ ये जो वजन करते हैं ना, उसका एक छोटा सा है। और पीछे हमारा बोर्ड है जहाँ सारे लिखे हैं कि वाटरमेलन कितने का होगा, बनाना कितने का होगा, सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना उसके प्राइस लिखे हैं पीछे। ठीक है, और यहाँ हमारा बैग है, लर्न उत्पादी शॉप का बैग। और अभी आप देख सकते हो सारे खाली हैं, क्योंकि सारे आउट ऑफ स्टॉक हैं। ये मेरा एक ब्लू कलर का स्केटबोर्ड है, जो आपको घूर घूर के देख रहा है, घूर घूर के अपने नीली नीली आँखों से। और नीचे हमारे कैंपिंग के सामान हैं, और ये हमारे किचन का एक ड्रॉअर है जो निकल गया, और ये हमारा वैक्यूम क्लीनर। तो फिर ये है हमारे पूरे टॉय रूम का टूर, आप देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं देख सकते, मुझे तो दिखाओ। हाँ, ये पूरे टॉय रूम का टूर आपको दिखा दिखा के मेरा तो पैर ही दुख गया। सो फ्रेंड्स, आज आपको ये टॉय रूम का टूर वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। बाय, कीप वॉचिंग, लेट्स एंड द वीडियो।